मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व प्रधान के बेटे हिस्ट्रीशियन देवेंद्र ने अपनी सगी भाभी सीमा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि विवाद पड़ोसी के घर खाना बनाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद हिस्ट्रीशियन ने अपना आपा खो दिया और घर में रखे तमंचे से गोली मारकर भाभी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी गई है। थाना भावनपुर क्षेत्र में ग्राम मुबारकपुर में आज सुबह एक महिला को उसके सगे देवर ने गोली मार दी थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। ये महिला, इसका पति और ये देवर, ये दो भाई हैं। देवर की शादी नहीं हुई थी तो ये खाना इसी घर में खाता था। खाना बनाने को लेकर ही ये नाराज हुआ और इसने अपनी भाभी को गोली मार दी जो पेट में लगी उसके, इससे उसकी मृत्यु हो गई है। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि थाना भवनपुर का हिस्ट्री सीटर है, तो इसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की।